प्रकाश के लिए, पत्रकार, लेखक, साहित्यकार, प्रकाशक, पुस्तक प्रेमी, उन सबके लिए एक प्रकार से महाकुंभ हमारे मीडिया के जो मित्र हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, मीडिया के दूसरे प्रकार, उन सबका बहुत बड़ा सहयोग इस आयोजन में रहता है। और आप सबके सहयोग के बिना देश मित्र प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मैं आप सबसे निवेदन करना चाहूंगा कि वो भी यूरोपियन यूनियन का कैसा सहभाग इस मेले में रहेगा उसके लिए आप सबसे मुखातिब होंगे। तो उनकी भी बात सुनने के बाद, उनसे भी कुछ पूछने के बाद ही ये आयोजन संपन्न होगा। और इसके बाद बहुत विनम्र करना है, ये पिछले 40 वर्षों से, बल्कि 45 वर्षों से इसका आयोजन हो रहा है और ये 26वां पुस्तक मेला है। पहले आप जैसा सब जानते हैं द्विवार्षिक आयोजन होता था और अभी 2012 से ये प्रतिवर्ष लग रहा है। पुस्तक मेले में प्रतिवर्ष विदेशी प्रकाशक विभिन्न भाषाओं की बड़ी संख्या में आते हैं। इस बार करीब 40 देशों के प्रकाशकों का प्रदर्शन, जिसमें लेखक भी होंगे, साहित्यकार भी होंगे, प्रकाशक भी होंगे और भारतवर्ष के विभिन्न भारतीय भाषाओं के 800 से ज्यादा प्रकाशक इस पुस्तक मेले में भाग ले रहे हैं। और इस बार मेले में जो विशेष आकर्षण रहेगा वो हमारी थीम है। सारी दुनिया जिस जलवायु संकट से जूझ रही है तो पुस्तक मेले में जैसे हम हर वर्ष एक थीम रखते हैं, पिछली बार महिला सशक्तिकरण को लेकर थी, उससे पहले भारत की सांस्कृतिक धरोहर को लेकर थी, तो इस बार पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन इसको लेकर हमने थीम रखी है। इस पर विभिन्न भाषाओं में पुस्तकों का संकलन भी, जो अनेक प्रकाशक बंधुओं से हमने एक दर्शनी लगाएंगे, थीम को लेकर जो पर्यावरण संकट से उबरने के लिए समाधान है उनकी भी प्रदर्शनी वहां लगेगी। देख जाओगे तो नहीं लगेगा भारत, तो मंत्रोच्चार के माध्यम में अनेक शब्द हैं, जैसे पवन पिता पानी गुरु माता धरती महत, ऐसे जो शब्द हैं जिनके माध्यम से जागरूकता पर्यावरण के लिए, प्रकृति प्रेम के लिए होती है, ऐसा पंजाबी भाषा में भी कार्यक्रम होगा, सिंधी भाषा में भी एक नृत्य नाटिका होगी, संस्कृत में होगा। तो एक रोचक ही नहीं बल्कि जानकारी पर और विशेषकर युवाओं को, नई पीढ़ी को प्रेरणा देने के लिए, जागरूक करने के लिए एक थीम पे पर्यावरण की दृष्टि से हमें क्या काम करना चाहिए, ये संदेश भी न्यास इस प्रदर्शनी के माध्यम से देने का प्रयास करेगा। और बच्चों के लिए जिस प्रकार एक चिल्ड्रन पेविलियन हम अलग से बनाते हैं, इस बार नई साज सज्जा के साथ, नई प्रस्तुति के साथ चिल्ड्रन पेविलियन हम न केवल अलग अलग भाषाओं की पुस्तकों का संकलन होगा, बल्कि बच्चों के लिए बहुत सारे कार्यक्रम और उसमें जो बच्चों से जुड़े हुए लेखक हैं, आदरणीय रिस्किन बांड, दूसरे प्रमुख लेखक, ऐसे अनेक लेखकों के साथ उनको रूबरू कराएंगे, बच्चों की भागीदारी वाले कार्यक्रम भी वहाँ होंगे और इस प्रकार चिल्ड्रन पेविलियन की एक अच्छे आकर्षण का केंद्र होगा। दूसरी ITU के साथ मिलकर अनेक व्यवस्थाएं करने का हमने प्रयास किया है, 50 मेट्रो स्टेशनों पर इसके टिकट मिलेंगे, प्रगति मैदान में 1 और 10 नंबर जो गेट है उस पर टिकटों की उपलब्धता है। टिकट वयस्कों के लिए 30 रुपए का है, बच्चों के लिए 15 वर्ष की आयु तक 20 रुपए का है। हालांकि मैंने पिछली बार भी निवेदन किया था क्योंकि प्रदर्शनी निःशुल्क हो उसमें टिकट लेकर न जाना पड़े, क्योंकि एक तरफ तो हम कहते हैं कि पुस्तकें इंसान का सच्चा दोस्त होती है, दूसरी तरफ उस दोस्त से मिलने के लिए भी टिकट लेकर जाना पड़े तो ये बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। पिछली बार भी हमने ITU के अधिकारियों से निवेदन किया था, उन्होंने आश्वासन दिया था कि आगे कुछ सोचेंगे, लेकिन अभी सोचा नहीं गया है। आप सबके सामने फिर मैं दास साहब से ये अपील करना चाहूंगा कि इस बात पर गंभीरतापूर्वक विचार किया जाए कि कम से कम पुस्तक प्रदर्शनी, ये जो विश्व में भारत की पहचान बनाने वाला पुस्तक मेला है, ये निःशुल्क हो तो हम सबको बड़ा आनंद आए। लेकिन इसके बावजूद जो विद्यार्थी हैं स्कूल ड्रेस में आएंगे उनको निःशुल्क प्रवेश मिलेगा, और जो बुजुर्ग हैं, हमारे सीनियर सिटीजन हैं,
उनको भी निःशुल्क प्रवेश मिलेगा। हमने दिल्ली के और एनसीआर क्षेत्र के अनेक विद्यालयों के साथ संपर्क करके बच्चों को आमंत्रित किया है, वो बच्चे स्कूल ड्रेस में आएंगे, अपने स्कूल की ओर से व्यवस्था के अंतर्गत आएंगे तो उनको निःशुल्क प्रवेश मिलेगा। ऐसी कुछ व्यवस्थाएं हम लोगों ने यहाँ की है, सुरक्षा की दृष्टि से भी, स्वच्छता की दृष्टि से भी, और क्योंकि देश भर के लोग यहाँ आते हैं। पिछले दो वर्षों का मुझे अनुभव है संख्या बहुत बढ़ गई है। पिछले वर्ष समाचार पत्र ने दिया था कि मौसम की मार पर भारी पड़ा पुस्तक मेला, तो मौसम की मार के बावजूद यहाँ हमारे संजीव गुप्ता बैठे हैं, इन्होंने जागरण में ही ये बड़ा हेडिंग लगाया था। तो आप सबके प्रयत्नों से, आप सबके सहयोग से ये मौसम की मार हो या दूसरी समस्याएं हो वो सब पार होंगी। और एक ही इतने बड़े हमारा पूरा न्यास परिवार लगा रहता है, हम पूरी कोशिश करते हैं आईटीबीओ के साथ मिलकर भी कि व्यवस्थाएं पूरी तरह से मुकम्मल हो, लेकिन इतने बड़े आयोजन में भी कुछ विविधताएं रह सकती हैं। तो आप सब यहाँ रहेंगे ही, आते रहते हैं, उनकी तरफ भी हमारा ध्यान आकृष्ट करेंगे तो हम प्रयास करेंगे कि आप लोगों को भी हम दूर कर सकें। धन्यवाद। बारे में कुछ बात ही नहीं किए के बारे में, ये किताब के ऊपर 5% GST तो लगाया गया है, इंजीनियरिंग बुक्स में उसमें लगाया गया है,